हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट तरीका। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिबा इनू कॉइन रिलेटेड क्या अपडेट निकल के आ रही है, साथ ही हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन का जो हिस्टोरिकल मंथ चल रहा है, नवंबर 2017 में बिटकॉइन का जो प्राइस था, जिस प्रकार से मूवमेंट कर रहा था, वही मूवमेंट दोस्तों अभी 2021 नवंबर में भी देखने को मिल रहा है। 2017 में दोस्तों जब 9 नवंबर को बिटकॉइन नीचे गया था, उसके बाद काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिली थी। तो इस बार भी दोस्तों यही हुआ है। नवंबर में अभी यहाँ पर जो बिटकॉइन है 9 नवंबर को काफ़ी नीचे गया है, तब क्या बड़ी रैली देखने को मिलेगी, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए प्लीज वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। सबसे पहले दोस्तों हम ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पर नजर डालें, तो अभी आप यहां पर देख सकते हो अराउंड 0.06% मार्केट डिक्रीज जरूर दिख रहा है, लेकिन कल जहां पर मार्केट की पोजीशन बनी हुई थी, सेम पोजीशन में मार्केट आ चुका है। मॉर्निंग की अगर बात करें तो अराउंड 5% तक मार्केट डिक्रीज हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन बन गई थी, लेकिन मार्केट ने फिर से रिकवर कर लिया है। और अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी अच्छा मार्केट यहाँ पर रिकवर हो चुका है। और बिटकॉइन का भी जो प्राइस है, अराउंड 5% तक डाउन चले गया था, अभी अराउंड 2% तक हमें यहाँ पर डाउन देखने को मिल रहा है। साथ ही इथेरियम में अराउंड 2% का पंप देखने को मिल रहा है, बाइनेंस में अराउंड 3% का पंप देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉइन दोस्तों जो मॉर्निंग में रेड हो चुके थे, अब थोड़ा यहाँ पर ग्रीन देखने को मिल रहा है। अराउंड यहाँ पर सोलेना जो कार्डेनो है, इसमें भी यहाँ पर हमें पंप देखने को मिल रहा है। तो जितने भी दोस्तों यहाँ पर अल्ट कॉइन है, उनमें भी थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। प्राइस ज़्यादा पंप नहीं हो रहा है, लेकिन मॉर्निंग में जितना उन्हें लॉस हो गया था, उस लॉस को उन्होंने यहाँ पर फिर से कवर कर लिया है। दोस्तों, अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 43 लाख के समथिंग चल रहा है। मॉर्निंग में 41 लाख के समथिंग पहुंच गया था, ज़्यादा डाउन हो चुका था, लेकिन फिर से रिकवर कर लिया है। बिटकॉइन का दोस्तों जो हिस्टोरिकल वीक चल रहा है, अगर हम हिस्टोरिकल वीक की बात करें तो 2017 में दोस्तों जो साइकिल चल रहा था, जिस प्रकार से बिटकॉइन का प्राइस मूवमेंट कर रहा था, वही मूवमेंट अभी 2021 में भी हमें देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों यहाँ पर काफ़ी क्रिप्टो एक्सपर्ट का मानना है कि फिर से हिस्टोरिकल वीक में हमें यहाँ पर बड़ी रैली देखने को मिलेगी और बिटकॉइन की जो प्राइस है $90,000 के ऊपर निकल जाएगा। अभी अगर आप दोस्तों पहले यहाँ पर 2021 का चार्ट देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें सितंबर में डीप देखने को मिली थी, उसके बाद काफ़ी अच्छा पंप किया, उसके बाद यहाँ पर 9 नवंबर को इसमें यहाँ पर डीप देखने को मिल रही है। अगर इसके पहले हम 2017 का भी यहाँ पर दोस्तों चार्ट देखें तो आप देख सकते हो 2017 में भी सितंबर में एक डीप देखने को मिली थी, उसके बाद काफ़ी अच्छा यहाँ पर रैली देखने को मिली इसके प्राइस में। और आप यहाँ पर देखोगे 2017 में भी दोस्तों 9 नवंबर को एक डीप देखने को मिली, लेकिन उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी बड़ी रैली यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिली थी और बिटकॉइन का जो प्राइस था अपने ऑल टाइम हाई प्राइस को क्रॉस करके काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल गया था। तो इस बार भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार भी आप यहाँ पर देख सकते हो 9 नवंबर को यहाँ पर डीप में गया है और काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो एक्सपर्ट का मानना है कि एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी और इसके जो प्राइस है बिटकॉइन का वो $90,000 के भी ऊपर निकल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शन दोस्तों बिटकॉइन रिलेटेड आ रहे हैं इस हिस्टोरिकल वीक को लेकर। और अभी दोस्तों एक मून पैटर्न भी यहाँ पर बिटकॉइन में बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो उस मून पैटर्न के बारे में भी यहाँ पर काफ़ी जो क्रिप्टो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि बिटकॉइन उस वजह से अब यहाँ पर पंप करने वाला है। तो बिटकॉइन को लेकर दोस्तों मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिटकॉइन यहाँ पर पंप करना स्टार्ट कर देता है तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट आपको पंप करता हुआ नज़र आने वाला है। जितने भी अल्ट कॉइन है उनमें भी आपको बड़ी रैली देखने को मिलने वाली है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सोलेना काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, एडीओ कार्डोनो भी अच्छा प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। साथ ही एक और दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पर कॉइन दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो AVAX, आप यहाँ पर देखोगे AVAX, ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है दोस्तों। और कंटिन्यू अगर आप आज भी यहाँ पर देखोगे तो अराउंड 8% का पंप देखने को मिल रहा है। इसको बिटकॉइन से कुछ लेना देना नहीं है, ये कंटिन्यू जब इसको पंप करना रहता है ये कंटिन्यू पंप होता हुआ आपको नजर आएगा, तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। साथ ही दोस्तों एक और यहाँ पर आप देखोगे तो crypto.com का एक जो टोकन है CRO, ये भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। अब अगर यहाँ पर लास्ट 7 डे का देखोगे तो अराउंड 50% तक ये पंप हो चुका है, तो काफ़ी अच्छे दोस्तों प्रोजेक्ट है, इनमें आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। VeChain अच्छा प्रोजेक्ट है। अब दोस्तों अगर हम बात करें शिबा इनू कॉइन के बारे में, तो शिबा इनू कॉइन में भी दोस्तों मॉर्निंग में काफ़ी बड़ी डिप देखने को मिली थी। अभी अगर आप करंट प्राइस देखोगे तो इसका करंट प्राइस है 0.003482। अगर आप VeChain या बाइनेंस पर देखोगे आपको थोड़ी जो प्राइस है ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। और लास्ट 24 आवर की अगर बात करें तो अराउंड 5% का जो पंप है अभी फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग की अगर बात करें तो अराउंड 10% तक इसका जो मार्केट था वो डाउन चले गया था, लेकिन फिर से काफ़ी अच्छी इसने रिकवरी कर ली है। अगर आप इंट्राडे हाई और लो देखोगे तो इंट्राडे इसका लो था 0.0030 और हाई था 0.0035, तो अभी इंट्राडे के हाई के लगभग पास में ही फिर से आ चुका है।
अगर आप यहाँ पर देखोगे ये 3.5 की रेंज में वापस आ चुका है, यानी काफ़ी अच्छा दोस्तों अब यहाँ पर इसने रिकवर कर लिया है। अगर दोस्तों आप इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देखोगे तो अराउंड 100% इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। जो इसका जो मेजर सपोर्ट दोस्तों बना हुआ था 0.6040 के समथिंग एक मेजर सपोर्ट बना था, उसका वहाँ पर डर था कि इसको ब्रेकआउट करता है तो इसका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा डाउन चले जाएगा, लेकिन वहाँ से दोस्तों काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंटिन्यू रिकवरी करता जा रहा है, इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। साथ ही दोस्तों अगर आप इसके यहाँ पर चार्ट देखोगे तो कंटिन्यू हमें यहाँ पर डीप में देखने को मिल रहा था, लेकिन लास्ट 1-2 आवर की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी रिकवरी कर रहा है। दोस्तों हम अपडेट की बात करते हैं कि शिबा इनू कॉइन रिलेटेड क्या क्या अपडेट निकल के आ रही है आज। दोस्तों इसकी जो बर्निंग है वो कंटिन्यू यहाँ पर इसकी बर्निंग चलती हुई जा रही है। साथ ही अगर हम बात करें तो लास्ट 24 आवर में अराउंड 17 मिलियन कॉइन की दोस्तों बर्निंग हो चुकी है। 9 ट्रांजेक्शन ऐसे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर शिबा इनू कॉइन को बर्न किया है, तो एक बड़ी यहाँ पर अगर डेली की बात करें तो डेली दोस्तों मिलियन में इसके कॉइन है वो बर्न होते जा रहे हैं। साथ ही स्टीवन कूपर दोस्तों जो कंटिन्यू बर्निंग करते जा रहे हैं उन्होंने भी अगर आज यहाँ पर देखोगे अराउंड 3 मिलियन कॉइन को बर्न किया है। ये डेली बेसिस पर दोस्तों यहाँ पर स्टीवन कूपर भी बर्निंग करते हुए जा रहे हैं इनकी जो प्लेलिस्ट है उसके थ्रू। अगर हम दोस्तों यहाँ पर शिबा इनू कॉइन की और बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक और यहाँ पर मर्चेंट है, उन्होंने यहाँ पर शिबा इनू कॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करने वाले हैं, जहाँ से आप एप्पल के एयरपोड और एक्सबॉक्स गेम एयरबीएनबी की टिकट सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, वो भी शिबा इनू कॉइन का यूज़ करके। आप यहाँ पर देख सकते हो शिबा इनू कॉइन का ये रिवार्ड के रूप में देने वाले हैं और गिफ्ट कार्ड भी यहाँ पर बांटने वाले हैं। तो शिबा इनू कॉइन की दोस्तों जो हाइप है वो कंटिन्यू क्रिएट होती जा रही है, मार्केट लगातार शिबा इनू कॉइन का सपोर्ट करता हुआ जा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे एक बड़ी न्यूज़ यहाँ पर crypto.com जो कि काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है, इन्होंने यहाँ पर डोजकॉइन और शिबा इनू कॉइन को उनका जो नेटवर्क है आप यहाँ पर देख सकते हो क्रोनोस नेटवर्क, उस पर भी इन्होंने दोस्तों यहाँ पर शिबा इनू कॉइन की ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने यहाँ पर डाला है क्रोनोस डिपॉजिट एंड विड्रॉ अनेबल, तो इन्होंने वापस यहाँ पर ट्रेडिंग इसकी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर इनके जो crypto.com पर पहले से लिस्ट था लेकिन इनका एक अपना ही नेटवर्क है क्रोनोस, उस पर भी इन्होंने यहाँ पर शिबा इनू कॉइन का यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर नाकामोटो के बारे में आप जानते ही होंगे, शिबेतोशी नाकामोटो ये डोजकॉइन के दोस्तों डेवलपर है और उनकी टीम का प्रमुख हिस्सा है। तो इन्होंने दोस्तों कंटिन्यू यहाँ पर शिप कम्युनिटी के खिलाफ रहते हैं और अभी भी इन्होंने यहाँ पर शिप कम्युनिटी के खिलाफ एक यहाँ पर पोस्ट किया है, एक ट्विटर पर ट्वीट किया है, तो कंटिन्यू दोस्तों शिबा कॉइन की कम्युनिटी के खिलाफ ही रहते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पर और बात करें शिबा इनू कॉइन के बारे में तो काफ़ी बड़े बड़े व्हेल एंट्री ले रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग आधे घंटे पहले दोस्तों एक नए व्हेल ने एंट्री लिए और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में शिबा इनू कॉइन को परचेस किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों लगभग $40 मिलियन से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में दोस्तों इन्होंने शिबा इनू कॉइन को बाय किया है। तो काफ़ी बड़े नए व्हेल की दोस्तों यहाँ पर एंट्री हुई है और कंटिन्यू दोस्तों बड़े बड़े व्हेल शिबा इनू कॉइन में एंट्री करते हुए जा रहे हैं। अभी मैंने आपको कल ही बताया था $170 बिलियन से भी ज़्यादा का 170 बिलियन टोकन से भी ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर बाय किए थे, तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में दोस्तों शिबा इनू कॉइन की जो यहाँ पर बाइंग है वो होती हुई जा रही है और काफ़ी बड़े बड़े व्हेल दोस्तों यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर व्हेल एंट्री ले रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि उनको लग रहा होगा कि आगे इसका जो मार्केट है वो बूम करने वाला है, इसी वजह से वो एंट्री ले रहे हैं। आपको दोस्तों बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने बाय करके रखे हैं तो प्लीज़ होल्ड करके रखिए। अब शिबा इनू कॉइन दोस्तों यहाँ से रिकवरी करने वाला है क्योंकि बिटकॉइन के लिए दोस्तों ये जो वीक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है। अगर बिटकॉइन पंप करता है तो सारे अल्ट कॉइन मीम कॉइन में भी आपको बड़ी रैली देखने को मिलने वाली है। अगर आपने बाय करके रखा है तो होल्ड करके रखिए। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।